स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज का वीडियो है बाई नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो बाई नेम रिएक्शन जो सीरीज चला रहा हूं मैं, इसमें मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि मैं लगभग 30 लेक्चर अपलोड करूंगा और 30 में कम से कम मैं आपको 40 रिएक्शन दूंगा, बाई नेम 40 रिएक्शन। दो लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा आई बटन पे उनका लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो क्या क्या पढ़ाया मैंने। वुड्स रिएक्शन पढ़ाई है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ाई है। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्लियर हो गए हैं तो फ्रैंक लैंड आपके लिए बच्चों का खेल होगा। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है आज की, फ्रैंक लैंड हेलो एल्केन की ही रिएक्शन है। एक बार वुड्स को याद कर लेते हैं, क्या करते थे वुड्स को याद करते हैं, हम लोग करते थे 2CH3Cl लिया, ठीक याद है 2CH3Cl लिया, प्लस ले लिया क्या 2Na, प्लस क्या ले लिया 2Na, और इसके साथ में गर्म कर दिया, ईथर डाल दिया, ठीक है एनहाइड्रस ईथर डाल दिया, और हमें क्या मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बस यही तो पढ़ाया था। अब उसके बाद की अगर बात करें कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, एल्किल की जगह पर क्या यूज कर सकते थे, पीएच मींस फेनिल भी यूज कर सकते थे। तो फेनिल के साथ में अगर सीएल लेते तो डाई फेनिल बनता, फेनिल के साथ में अगर CH3Cl लेते तो क्या बन जाती है, CH3 के साथ में फेनिल पूरा का पूरा रिंग जुड़ जाता है, यानी कि डाल्विन बन जाती। तो सारी की सारी बातें वुड्स के बारे में हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है कि 2Na की जगह, ध्यान देना बात पे यार, 2Na की जगह Na की वैलेंसी कितनी सिंगल प्लस, तो यहाँ पर बनता था साथ में क्या 2NaCl, याद है सभी को 2NaCl। अब यहाँ पर Na की जगह पर क्या ले आएंगे, जिंक, यहाँ पर Na की जगह पर क्या ले आएंगे, जिंक, और ये सब गायब कर देंगे, ना डेल्टा देना पड़ेगा, हीट भी नहीं देनी पड़ेगी, इथर भी नहीं डालना पड़ेगा, THF भी नहीं डालना पड़ेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, खुद होगी बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर इसको इससे रिप्लेस करते हैं तो नई रिएक्शन जो आती है उसका नाम है फ्रैंक लैंड। अब अगर ऐसे पैटर्न से आप याद करते चलोगे ना तो बाइनेम की दिक्कत तो आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और बाइनेम अगर आपने सारी कवर कर ली तो मैं फिर कह रहा हूं आपके चार चैप्टर है, बेसिकली चार चैप्टर है एनसीईआरटी के, मेन ऑर्गेनिक है जहां पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आपका, दूसरा आपका एल्कोहल फिनाल ईथर, तीसरा आपका कौन सा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट मींस योर एमीन। अगर आपने सारी रिएक्शन पढ़ ली तो मोस्ट ऑफ द 40% जो आपका इन चैप्टर्स का होगा ना वो तो आपका बाइनेम से यार कवर हो जाएगा। तो भाई इतना ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसकी अलग सीरीज चला रहा हूँ। बाइनेम आपको हर जगह मिल जाएंगे, किताब में एक साल लिखे मिल जाएंगे, ठीक है बहुत जगह पर आपको मिल जाए, लेकिन मैकेनिज्म के साथ में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपको ढूंढने पे ही मिलेगा। ये तो कहना गलत हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, केवल मैं बना रहा हूं, ऐसी बात तो घमंड वाली हो गई ना। तो हाँ मिलेगा क्यों नहीं, बट हाँ मेहनत से मिलेगा, ढूंढने पे मिलेगा, इसलिए हाँ आसानी से दे रहा हूं तो ले लो। चलो भाई तो फ्रैंक लैंड का क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्रैंक लैंड का लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट बनेगा भाई, दिमाग में क्या बना इतनी देर में, चलो रिएक्शन लिख देता हूँ फिर स्टेटमेंट लिखना। रिएक्शन क्या लिख रहा हूँ मैंने, लिखा CH3Cl, ठीक है प्लस लिखा मैंने जिंक, प्लस लिखा मैंने ClCH3, देन मैंने कुछ भी नहीं दिया, और ये ZnCl2, जैसे वहां पर NaCl निकलता था वैसे ZnCl2 निकल गया, बचा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2, ये बन। अब तो लिख सकते हो क्या लिखोगे, वेन Rx, अब Rx का मतलब यार इसको एल्किल हैलाइड में नहीं लिख पाऊंगा, ये तो खुद लिखो, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, when Rx react with किसके साथ, जिंक के साथ, जब इनको जिंक के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं, they form alkanes, alkane मतलब CnH2n+2, सारी बातें ऐसे लिखूंगा सिंबलिक फॉर्म में, they form CnH2n+2, यानी कि क्या फॉर्म करते हैं यार, एल्केन फॉर्म करते हैं, ठीक है एल्केन्स फॉर्म करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज योर फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी क्या मानी जाती है, क्या कही जाती है, फ्रैंक लैंड रिएक्शन कही जाती है। बाइनेम रिएक्शन का मतलब समझते हो, इन रिएक्शन को पहले साइंटिस्ट ने कराया था, बड़े खड़े होकर के कराया कि हाँ ये रिएक्शन से ये बना, तो रिएक्शन को अपना नाम दे दिया। तो फ्रैंक लैंड रिएक्शन क्या है, जब Rx की रिएक्शन जिंक के साथ कराई जाती है तो CnH2n+2 मिलते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रैंक लैंड रिएक्शन। अब लिमिटेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या नहीं बना सकते, CH4 नहीं बना सकते, जितनी लिमिटेशन वुड्स की थी यार, CH4 नहीं बन सकता, बिकॉज कम से कम दो एल्किल ग्रुप जोड़ोगे आप तो CH4 नहीं बना सकते। दूसरी बात क्या नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई कि मॉइस्चर नहीं दे सकते, अगर मॉइस्चर है तब भी रिएक्शन को प्रोसीड होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सोडियम जल जाता था लेकिन जिंक नहीं जलेगा, ठीक। अगली बात क्या थी, उसके साथ में क्या एक प्रॉब्लम थी,
कि हम लोग क्या कर सकते थे, डिफरेंट टाइप के हेलोजन नहीं ले सकते थे, ठीक है, कि यहाँ सीएल ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, बीआर ले लिया, या फिर यहाँ पर CH3 ले लिया और C2H5 ले लिया, तो मिक्सअप मिलने लगते थे, ठीक है, तो मिक्सअप यहाँ पर भी मिल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट टाइप के क्या रखेंगे, R और R ग्रुप एक जैसा रखेंगे, तो हमें प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिलेगा। अगर आपको इन सब डाउट्स को देखना है तो यार वुड्स रिएक्शन पूरी देख लो, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वुड्स रिएक्शन पूरी देख लो, तो वहां से आपको खत्म हो जाएगा कि यहाँ पर अगर R और R डैश ले लूँ या यहाँ CH3 और C2H5 ले लूँ तो क्या दिक्कत आती है। ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मिक्सचर्स मिलते हैं जिन्हें अलग करना पड़ता है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सार डिफरेंस होता है, बस इतनी सी बात है। चलो भाई नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन लिख लो, क्या लिख लेते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, C2H5Br, ठीक है, चलो एल्किल ग्रुप बदल गया और ये भी बदल गया, प्लस ZN, और यहां पर ये ना लिख करके अगर ये लिख दूं फिर भी आपको पता है क्या मिलेगा आपको, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 दैट मींस योर C4H10, एंड क्या मिलेगा, ZN के साथ में BR, यानी कि मिलेगा ZNBR2, काम खत्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं मैकेनिज्म कैसे है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ सर ये जिंक सीएल को तोड़ेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, ठीक है, दूसरा वाला जिंक उस वाले सीएल को तोड़ेगा, वहां रेडिकल बनेगा, और जब रेडिकल बनेगा तब हमें क्या मिल जाएंगे, CH3 और CH3 जुड़ जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्यों, क्योंकि वहां पर तो थे 2Na, याद करो बच्चों वहां पर क्या थे 2Na, तो 1Na आता था इसके साथ, 1Na आता था इसके साथ, 1Na इस सीएल को तोड़ता था, दूसरा Na इस सीएल को तोड़ता था, यहां रेडिकल मिलता था, यहां रेडिकल मिलता था, दोनों के दोनों रेडिकल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आपस में कंबाइंड हो जाते थे और ये बनाते थे। अब यहां पर ZN तो अकेला है, ये तोड़ तो सकता है, ये तोड़ेगा तो, लेकिन ये तोड़ेगा तो एक ही मॉलिक्यूल को, ठीक, ये तो बात समझो, या तो आप दो ZN डालो, तो दो ZN डालोगे तो वो दूसरे को तोड़ेगा, लेकिन तोड़ने के साथ में ये कुछ बनाता भी है, दैट मींस इसकी मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट देखते हैं कैसे होते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं। चले भाई मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, हेडिंग डाल दो भाई, स्टेप नंबर 1, काफी टाइम लग गया बोर्ड साफ करने में, चलो शुरू करें मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, RX होगा, क्या होगा, RX होगा, हमें यह तो पता है कि मेटल इसके साथ रिएक्ट करने जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, बहुत आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है अगर कोई मेटल रिएक्ट करे, ठीक है, तो वहां क्या होता था ZN, वहां क्या होता था Na आता था, इसको तोड़ लेता था और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता था। बट क्या ये ZN, ध्यान से सुनना बात को, क्या ये ZN इस X को तोड़ के ZNX बना सकता है, कहोगे नहीं सर ZNX तो नहीं बन सकता, बिकॉज ZNX तो स्टेबल ही नहीं, जब स्टेबल ही नहीं है तो क्यों तोड़ेगा, तो क्या होगा, समझो बात को, ठीक है, क्या होगा, होगा ये कि ये रिएक्शन तो होगी, ये रिएक्शन तो होगी बट बनेगा RZNX। ये क्या नया खेल हो गया, RZNX कैसे बन गया, तो देखो क्या होगा, ये अटैक करेगा, ये इधर की तरफ टूटेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ खींच रहा है ना, तो ऐसे टूटेगा बॉन्ड, ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, R के साथ जुड़ेंगे ZN और ये X जुड़ेंगे किसके साथ में, ये टूट करके किसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर R के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा है, मेटल। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज सुनी होगी, RMGX, ग्रिगनार्ड रिजल्ट, ठीक, RMGX तो सुना है, ग्रिगनार्ड रिजल्ट, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक होता है और यहां पर भी कार्बन के साथ डायरेक्ट मेटल है, दैट मींस ये बना आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, बीच में क्या बना, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। स्टेप नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया, तो अब देखते हैं भाई स्टेप नंबर 2 में क्या हो सकता है। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल, ऐसे दो, ये होगा स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 1, तो अब इनको दो को उठा लो, तो 2RZNX, अब ये तो कई सारे मिल रहे होंगे ना, जितने RX डालोगे, जितने ZN डालोगे उतने ये मिलते जाएंगे, तो 2RZNX को अगर हम लोग आपस में रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ZN के साथ में सिंगल R, ZN के साथ में सिंगल R, और बचा क्या, ZN के साथ में देखो ये वाला R निकल गया, ZN के साथ में दूसरा वाला R निकल गया, अब एक ZN अभी भी बचा है और दो X बचे हैं, यानी कि मिलेगा ZNX2, क्या मिलेगा, ZNX2। और स्टेप नंबर 3 अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 में आएंगे, तो इस चीज को उठा लो भाई, R, R और ZN,
यानी कि जिंक से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये किससे रिएक्ट कर जाएंगे, 2RX से, 2RX मतलब ये वाले RX से, और 2RX से जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R2, ये वाले दो R एक साथ, यानी कि R सिंगल बॉन्ड R के साथ दो मॉलिक्यूल, ये वाले R और ये वाले R, और ये वाला ZN किसके साथ जुड़ जाएगा, इस X के साथ, यानी कि मिलेगा ZNX2। एक चीज ध्यान दी कि स्टेप नंबर 2 में भी क्या मिल रहा था, ZNX2, स्टेप नंबर 3 में भी क्या मिल रहा है, ZNX2। अब कहानी समझ में, बच्चों को दिक्कत कहां पे होगी, दिक्कत कहां पे होगी कि सर ये वाला पार्ट कैसे हो गया, ये ZN के साथ दो R कैसे आ गए। तो भाई एक चीज देखो, इसको जरा यहां पर ज़ूम करो, इसको देख लो, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास में ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रखा हुआ है जिसमें एल्किल ग्रुप ZN से जुड़ा हुआ है और ZN किसके साथ जुड़ा हुआ है, X के साथ जुड़ा हुआ है। अब X पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर जितना माइनस चार्ज जाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबल, X पर माइनस चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो X है, ये X तो निकलना ही चाहता है, ये वाला X तो निकलना ही चाहता है, जैसे ही इसको कोई मेटल मिलेगा दूसरा, ठीक है, जैसे ही इसको कोई मेटल मिलेगा ये वाला X उससे जुड़ने की टेंडेंसी तो रखेगा ही रखेगा। अब जब ये वाला X इस ZN से जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी एक कम होगी ना, अच्छा इसको ये वाला जो ZN है ये X, ये जब ZN X से जुड़ेगा तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, नहीं होगी। अब यहां की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कंप्लीट कौन करेगा, तब दो, जब हम लोगों ने क्या लिया, 2R ZN X, तो ZN की, ध्यान से सुनना अंतिम पॉइंट है ये, ZN की जितनी टेंडेंसी किसके साथ जुड़ने की है, R के साथ, उससे कहीं ज्यादा किसके साथ है, X के साथ। तो अगर एक जैसे दो मॉलिक्यूल आएंगे तो सबसे पहले ZN अपना मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ZN X2। अब ZN X2 के बाद में बचा क्या, दो R बचे, और ZN बचा तो वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन कम थे, तो ये भी कैसा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक ही होगा, ये भी कैसा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक ही होगा। लेकिन क्या ये उतना स्टेबल होगा जितना स्टेबल ये है, नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, और दैट्स व्हाई ये एक स्टेबल कंपाउंड, इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए ये दोबारा किससे रिएक्ट करेगा, 2RX से। मैंने पहले ही कहा ZNX2 इनसे ज्यादा स्टेबल है, ZNX2, ध्यान से सुनो, ZNX2 इनसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये वाला कंपाउंड वापस आएगा 2RX के पास, तो ZN के X2 फिर से बनाएगा, उसके बाद में एल्किल ग्रुप यहां के और एल्किल ग्रुप यहां के, कितने आ रहे हैं भाई, दो आर यहां, कितने आ रहे हैं, चार आर, चार आर में से दो आर आपस में जुड़ गए और दो मॉलिक्यूल लगा लिए, यानी कि कैसा टाइप मिला होगा, कुछ ऐसा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, या कह सकते हैं C2H6, और वो भी कितने, दो ऐसे, ठीक है, आसान है यार, R की जगह तो एल्किल ग्रुप सेट कर सकते हो ना। तो ये मैकेनिज्म है किसकी, फ्रैंकलैंड की, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक रिएक्शन पे इसको करके दिखाता हूं अप्लाई, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चले, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो देखो एक रिएक्शन पे अप्लाई करके दिखाता हूं इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म। तो क्या होगा, सबसे पहले, सबसे पहले आएगा CH3Cl, जो कि पहली रिएक्शन लिखी, क्या आएगा, CH3Cl, ये किससे रिएक्ट करेगा, ZN से, ZN से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, CH3ZNCl, R की जगह देखो CH3 ले लिया, आसान है यार, R की जगह क्या ले लिया, CH3 ले लिया। अब देखो आगे, अगली कहानी में क्या होगा, अगली कहानी में आएगा, देखो ऐसे लिख देता हूं, CH3ZNCl प्लस CH3ZNCl, वहां मैंने दो लिखे थे, यहां पर 2 लगा दिया था, अब इस बार देखो अलग अलग लिखा, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ZN के साथ, पहली बात तो देखो ZNCl, ZNCl, तो एक ZN के साथ एक Cl जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले तुम निकाल दो क्या, ZNCl2, ये वाला Cl भी किससे जुड़ गया, जाकर के इससे जुड़ गया। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, यहां से एक एल्किल ग्रुप मिला तो वो किससे जुड़ेगा, जाहिर सी बात है वो जुड़ेगा इससे, तो ZN के साथ में क्या मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसको उठा लो, ZN के साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर क्या है, 2CH3Cl, अब हमें पता है यहां पर कितने Cl है, 2Cl, तो हमें क्या मिलेगा भाई, वापस मिलेगा ZNCl2, ये वाला ZN, ये वाला दोनों Cl, ये वाला ZN और ये वाले दोनों Cl, यानी कि निकल गए ZNCl2, अब देखो यहां पर बचा होगा 2CH3CH3, यानी कि क्या बना होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से भी ZN हट गया, बचा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ओवरऑल क्या मिला होगा, 2CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6, वो भी कितने,
दिस इज योर प्रॉब्लम, क्लियर। ये होगी मैकेनिज्म अगर आप अप्लाई करना चाहो तो। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, खत्म हो गई थी, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड इतनी ही थी इसकी, और लिमिटेशन मैंने बता दी शुरुआत में, लिमिटेशन बता दी। तो तीन रिएक्शन कंप्लीट हो गए भाई, कौन सी, वुड्स कंप्लीट, वुड्स फिटिंग कंप्लीट, फ्रैंकलैंड कंप्लीट। जहां तक अगली लेकर आऊंगा हेलो फॉर्म, ठीक है, हेलो फॉर्म एंड एडो फॉर्म दोनों एक ही में करा दूंगा, दोनों एक जैसे टॉपिक है, एक में करा दूंगा, तो एक में दोनों पट जाएंगी, तो आगे के लिए थोड़ा सा आराम रहेगी, ठीक है। तो भाई नोट करते रहो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हाँ बता दूं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई तक पढ़ा रखा है, ठीक, 13 लेक्चर शायद, हाँ 13, ठीक है 13 लेक्चर हो गए हैं, 14th लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ पैटर्न बना लूँ, ठीक है, लास्ट के दो दिन में ये करा दिया करूँ और बाकी फिजिकल को कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि फिजिकल काफ़ी दिनों से रुकी हुई पड़ी है, तो कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।